वेलकम स्टूडेंट्स, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीरीज़ में आज हम बात करेंगे रियल असेट्स एंड फाइनेंशियल असेट्स। इस टॉपिक में हम रियल असेट्स और फाइनेंशियल असेट्स दोनों के मीनिंग को कवर करेंगे। सबसे पहले रियल असेट्स की बात करते हैं। क्या होते हैं रियल असेट्स? अगर देखा जाए तो एक टेंजिबल मटेरियल, यानी कि टेंजिबल मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, दैट इज़ अ टेंजिबल। अब टेंजिबल की यहाँ बात आ गई तो एक मटेरियल फॉर्म में है, जो जैसे बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल, गोल्ड हो गया, लैंड हो गया, या फिर अदर ऐसी जो चीज़ें हैं जिसको हम टेंजिबल फॉर्म में देख सकते हैं, जैसे रियल इस्टेट्स हो गया, एग्रीकल्चर लैंड भी हो सकता है एक मटेरियल, अगर देखा जाए मशीनरी भी हो सकती है, ऑयल हो सकता है, प्रीशियस मेटल्स। तो ये सारे क्या है, ये सारे वो सब्सटेंस है जिनको हम फिज़िकल असेट्स के नाम से भी जानते हैं, और इनकी कोई वैल्यू होती है, इनकी कोई प्रॉपर्टी होती है, इनकी कोई फीचर्स होता है, दैट इज़ नोन एज रियल असेट्स। रियल असेट्स क्या है? जो एक रियल फॉर्म में हमारे सामने है, मटेरियल फॉर्म में हमारे सामने है, जो कि एक वैल्यूएबल है, जिनकी कोई प्रॉपर्टी है, मतलब कुछ ना कुछ फीचर है उस चीज़ के। जैसे गोल्ड है, गोल्ड का कोई ना कोई फीचर है, गोल्ड लग्जरी आइटम्स में इंक्लूड करा जाता है, लैंड हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया। तो ऐसे असेट्स जिनके कोई फीचर है, जिनकी कोई प्रॉपर्टी है, जिनके कोई सब्सटेंस, कोई वैल्यू है, दैट इज़ नोन एज रियल असेट्स। इनको हम क्या कहते हैं? रियल असेट्स कहते हैं। और ये मार्केट में ट्रेड होते हैं, इन्वेस्टर इस पर इन्वेस्ट करते हैं, और फिर मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं तो इनकी वैल्यूज़ भी चेंज होती है। जैसे लैंड की वैल्यू टाइम टू टाइम इंक्रीज़ होती है, गोल्ड की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है टाइम टू टाइम, बिल्डिंग की वैल्यू, ऑटोमोबाइल्स की वैल्यू, एग्रीकल्चर लैंड की वैल्यू, कोई मशीन हो गया उसकी वैल्यू, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़, ऑयल, या फिर ऐसे कमोडिटीज़ जो प्रीशियस मेटल है, जैसे सिल्वर हो गया, जैसे डायमंड हो गया, ऐसे सारे की क्या है, ये रियल असेट माने गए हैं। अगर देखा जाए सेकंड जो पॉइंट है हमारा, फाइनेंशियल असेट्स, ये फाइनेंशियल असेट क्या होती है? ये नॉन फिज़िकल असेट है। नॉन फिज़िकल असेट यानी कि जिनके ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल क्लेम मिलता है इनके ऊपर, जैसे आप FD कराए, बैंक के डिपॉजिट हो गए, आपका सेविंग अकाउंट, ये फाइनेंशियल असेट है आपका। आपका FD जो आपने करा रखी बैंक में फिक्स डिपॉजिट, ये आपके फाइनेंशियल असेट है। आपके बॉन्ड्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, स्टॉक्स, ये सारे क्या है? फाइनेंशियल असेट्स होती है। ये ज़्यादा जल्दी कैश में कन्वर्ट होता है क्योंकि ये ट्रेड होते रहते लगातार। इसलिए रियल असेट्स और फाइनेंशियल असेट में फ़र्क यही है कि रियल असेट लंबे टाइम के लिए ट्रेड होता है, लेकिन जल्दी जल्दी उनकी वैल्यू लिक्विडिटी में नहीं आती, यानी कि कैश में कन्वर्ट नहीं होते। और जबकि फाइनेंशियल असेट्स जो होती है वो मोर लिक्विडेबल होते हैं, इनकी टेंजिबल असेट होती है, जो जल्दी से, जिनकी वैल्यू धीरे धीरे चेंज होती है, जिनकी वैल्यू लिक्विड होती है, जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। सो फाइनेंशियल असेट्स आर यूजुअली मोर लिक्विड एंड अदर टेंजिबल असेट्स सच एस कमोडिटीज़ और रियल इस्टेट एंड मे बी ट्रेडेड ऑन फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड होने वाले, चाहे वो कमोडिटीज़ हो, चाहे रियल इस्टेट हो, अदर टेंजिबल असेट्स, इनसे ज़्यादा लिक्विड यानी कि कैश में कन्वर्ट होने वाले को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल असेट्स कहते हैं। तो बेसिकली हमने दो कंसेप्ट पढ़े यहाँ पे, रियल असेट और फाइनेंशियल असेट। रियल असेट क्या होता है, फाइनेंशियल असेट्स क्या होते हैं। और अगर फाइनेंशियल असेट्स में देखा जाए तो डेब्ट, इक्विटी, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। एक कमिटमेंट होता है, उस कमिटमेंट, एक सर्टिफिकेट होता है, उस पर यहाँ पे इनकी वैल्यू लिखी जाती है और वो ट्रेड होती है, लेकिन जल्दी कैश में भी कन्वर्ट हो सकती है। इसके एग्जांपल्स शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर स्टॉक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, या जो अदर इंस्ट्रूमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई सिक्योरिटी दी है, वो सारी चीज़ें इसमें हमारे फाइनेंशियल असेट्स में इन्वॉल्व होगी। सो ये बेसिकली हमने फाइनेंशियल असेट्स और रियल असेट्स के बारे में बात करी है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको और एजुकेशनल वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।